लव मैरिज हो रही बताइए। अरे क्या अपनी जात में लड़के मर गए हैं? अरे हमसे बोले होते हम लाइन लगवा देते लड़कों की। ना लड़की की जात पता है, ना गोत्र पता, कहाँ के रहने वाले, ना परिवार के बारे में कोई नॉलेज है, बस ऐसे ही जाके वह लड़की लेके आ रही है। ये गोलगप्पे किसने मंगाए हैं? किसने मंगाए? नरम नरम गोलगप्पे हैं, ये खिलाओगे हमारे गेस्ट को? तुम बेइज्जती करना चाहते हो यहाँ पे हमारी? हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, बड़ा फूफा हूँ मैं इस घर का, कोई कुछ भी कहे तुम नहीं सुनोगे। आई एम द वन इन चार्ज हियर, यू नो मी, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ ईश्वरसरण डिग्री कॉलेज। क्या मतलब है? मालिक ने बोली इमली की चटनी, मैं फूफा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुदीना की चटनी बनेगी तो पुदीना की बनेगी। तुमको पता है लव मैरिज हो रही है यहाँ पे, कोई वैल्यू होती है लव मैरिज की? जानते हो तुम्हारी शादी हुई है? पहली लव मैरिज अटेंड कर रहा हूँ मैं, वैसे मना कर देता हूँ, जाता ही नहीं हूँ, लेकिन अब वो तो इनकी वजह से आना पड़ा है मुझे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने समाज में तो मैं ही जानता हूँ। पूड़ी क्यों निकाल रहे हो? कचौड़ी क्यों नहीं बना रहे हो? पूड़ी गोल क्यों नहीं बन रही है? ऐसे पूड़ी बनती है? मैं फूफा हूँ इस घर का, सबसे बड़ा फूफा हूँ, मेरी सुनी जाएगी। पूड़ी नहीं बनाया कभी तुम लोगों ने? पूड़ी बनाई जाएगी ऐसे? फूफा चुप रहो यार, कम से कम मौसी लोग को तो छोड़ दो, चलो चलो यहाँ से। ये सामान किसके यहाँ से आया है? ये गलत डालना ले आती हो। ये गाजर कितने रुपए किलो लाए हो? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो लेके आए हो? बेकूफ हो गए हो क्या? मुझसे बोले होते 5 रुपए किलो लगवाता। कहते गुप्ता के यहाँ सामान मत लाना, उसके यहाँ ब्रिजमोहन के यहाँ जाया करो, मेरा आदमी है, तुम लोग गलत जगह से लाए हो। पता है आप लोगों को सरकारी नौकरी का क्या रेट चल रहा है मार्केट में अभी? इनको पता नहीं कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, कहीं कुछ दे ना रहे हो। ये नकली फूल से डेकोरेशन किया जा रहा है? हमारे घर में शादी होती है सारे असली फूल बिछा दिए जाते हैं दूर दूर तक, ऐसे शादी करवाया हूँ मैं? अरे हम करवा देते बुआ, हमारा रुतबा चलता, कितने आईएएस पीसेस की शादी हमने करवाई है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये सारा दूध ऐसे खुला क्यों पड़ा हुआ है? ढकने के तो हमें बर्तन नहीं है, अभी मक्खी गिर जाएगी तो खीर में तुम मक्खी डाल खिलाओगे सबको? हाँ जवान, मेरे सामने जवान जलाओगे तुम? आई एम द प्रिंसिपल। अरे फूफा हर सबसे लड़ो मत फूफा, चलो हम लड़ नहीं रहे, हमको बता रहे हैं क्या करना है। आप लोग काम करो, आप लोग काम करो, चलो फूफा। हमसे क्यों नहीं पूछा गया शादी में? मेरी बात क्यों नहीं की गई फूफा? दहेज दहेज में हमसे पूछा गया? करेंगे आपकी बात फूफा, चलिए। आइए तो पहले घर चल के बात करते हैं, चलिए पहले तो कहीं साइड में चलिए। अरे फूफा क्या सबसे लड़ते झगड़ते रहते हो भाई, पूरे गांव में बेइज्जती हो रही है कि तुम्हारे फूफा सबको जाके किच-किच करते रहते हैं, अब पापा लोग आपसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। इज्जत का फलूदा मत करो फूफा। इज्जत रही कहाँ गई है? तुम लोग तो वैसे भी बुजुर्गों की इज्जत करना भूल चुके हो पूरी। ना सुबह की चाय पूछी जा रही, ना नाश्ता पूछा जा रहा है, ना खाना पूछा जा रहा है। अरे अगर हम खुद से ना उठ के जाए तो भूखे मर जाए। यही दिक्कत है, हम सुनील को आपके साथ लगा देंगे, पूरा दिन सुबह शाम हकते मुत्ते आपके साथ ही रहेगा, ठीक है ना? पिंटू की शादी में सिर्फ कुर्ता मिला था हमें, पैजामा हमने जो है अपने खुद के पैसे से खरीदा था। अरे यार वो तो लेकिन चाचा के घर की बात है, हमारे यहाँ तो आपको सूट पैंट कपड़ा मिला है ना, खुश रहिए, वो बात यहाँ क्यों ला रहे हैं आप? अरे तो परिवार तो तुम्हारा ही है, इस खानदान में शादी करके हम खुद बसता रहे, कोई इज्जत ही नहीं करता यहाँ पे हमारी। अरे यार और आपकी हलवाई लोग से क्या दिक्कत है? मतलब तीसरा हलवाई बदल चुके हैं आपकी वजह से हम। तुम्हारे यहाँ के सारे हलवाई एक नंबर के बदतमीज और अनप्रोफेशनल है। जानते हो कितने हलवाइयों का हमने करियर बना दिया है शादियों में भेज भेज के? मिश्रा हलवाई जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो? अरे हमको नहीं जानना मिश्रा हलवाई कौन है, लेकिन जो हलवाई बदलने की वजह से पूरे गाँव के सारे हलवाई ने हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये पास के गाँव से हम हलवाई लेके आए, वो भी भैंस बेच के अपनी। वाह मतलब भदौरिया परिवार अब जो है हलवाइयों के इशारों पे नाचेगा? हाँ सारे कुल का सर्वनाश कर दियो तुम लोग, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है अब। अरे फूफा पर ये बातें तो शादी के बाद भी हो सकती है ना, 2 दिन की बात है, थोड़ा हंस बोल लो, काहे नाराज नाराज घूम रहे हो यार? नाराज नहीं है हम, बस चिंतित हैं, और एक चिंतित आदमी के चेहरे पे आक्रोश दिखता है तो तुम लोग को लगता है वो नाराज है? नाराज नहीं है हम एकदम। अच्छा जो चिंता आक्रोश जो भी आपके चेहरे पे वो मत करो, और चल के थोड़ा इंजॉय कर लो, अब बस किसी से लड़ना झगड़ना मत प्लीज। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, अगर हमारे सामने कुछ गलत होगा तो हम उसको बोलेंगे, हम उसको डांटेंगे वहां पे। जो है सारे रस्मों रिवाजों को तुम लोग ने इवेंट बना दिया है, तुम कहते हो हम इस शादी को एंजॉय करें? हाँ अबे यार जिस घर में पूजा हो रही है उसी घर में दारू पी जा रही है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आए, हमने कभी देखे भी नहीं है, और सबसे खराब बात तो ये कि हमसे पूछा भी नहीं जा रहा है इस बारे में कुछ। अच्छा मतलब दारू नहीं मिली इस बात से नाराज हैं आप? हाँ नहीं बातें तो और भी हैं, लेकिन अब क्या बोले तुमसे छोटे हो तुम। आलोक भैया बारात निकलने वाली है, जल्दी हाँ बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ आ गए आ गए आ गए। फूफा अब देखिए जो हुआ उसको छोड़िए, हम क्या सोच रहे हैं कि जितना भी दारू का स्टॉक है वो सब आप अपने अंडर में ले लीजिए, ठीक है? फिर आप बारात में डिसाइड करिएगा किसको कितना बांटना है, किसको कितना सही लगेगा कितना नहीं, तो बारात में कोई ऊंच नीच भी नहीं होगी, ठीक है? ये तुमने पहली होशियारी वाली बात की है आलोक, चलो दिखाओ कहाँ रखे। चलिए चलिए आइए आइए आइए, अंदर कमरे में है वहां ले चलते हैं आपको। आओ फूफा ये काले वाले ड्रम के पीछे रखा है सारा स्टॉक, आप अपने हिसाब से सबकी लिस्ट बना लो। ठीक है ठीक है ठीक है चलो। समस्या ही खत्म, बंद कहीं कर दिए। आलोक 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 कहाँ चले गए छोड़ के? आलोक
कहां बनकर चले गए तुम? हेलो स्टॉक क्या एक ही बोतल नहीं है यहां पे? बेवकूफ बना गए मुझको। हेलो हेलो बंद करके चला गया नालायक। अरे कोई है? अरे इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी, मुझे घर में अकेला बंद कर दिया है। अभी फोन लगा, फोन कहाँ है हमारा? फोन भी नहीं है। हेलो बारात जा रही है, उसको बंद करके चला गया, बारात बिना हमको लिए जा रही है। मैं फूफा हूं, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज। कहां गए? हेलो अरे मेरे बिना बारात कहां जा रही है? तुम लोगों को पता क्या है रीति रिवाज? सब मैं कराता हूं, मेरे बिना शादी नहीं करा पाओगे तुम लोग। हेलो इनको छोड़ के चला गया। नाक नहीं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा इनको मैं।